अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी फेशियल पैरालिसिस, जिसको हम चेहरे का लकवा मार जाना बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं फेशियल पैरालिसिस क्या होता है और ये क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं और इसके मरीज में क्या सिम्टम्स आते हैं, जिससे आपको पता चले कि फेशियल पैरालिसिस है और इसके क्या होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट है। फेशियल पैरालिसिस, चेहरे का लकवा मार जाना, इसमें मरीज में वन हाफ फेस अफेक्ट होता है, यानी आधा चेहरा मरीज का पैरालाइज हो जाता है कुछ समय के लिए, सडन अचानक ही पैरालाइज हो जाता है और ये विदिन 2 से 3 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है अगर इसको आप ठीक नहीं करते हैं। तो इसमें मरीज में ये दिक्कतें आती हैं कि उसको खाने में प्रॉब्लम होती है और निगलने में भी प्रॉब्लम होती है और मुँह पूरी तरीके से खुलता नहीं है, उसका टेढ़ा हो जाता है। तो यही फेशियल पैरालिसिस है। इनमें मरीज में बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, किसी में नंबनेस रहती है, वो सुन रहता है वो एरिया, अगर जिस साइड वो पैरालाइज हुआ है राइट साइड है तो उस एरिया पे उसको सुन रहेगा और उसमें दर्द भी होगा, और किसी में तो लेफ्ट साइड में भी होता है। तो ये किसी भी साइड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, दोनों साइड किसी भी साइड हो सकता है। इसमें हमारी फेशियल नर्व डैमेज हो जाती है, अचानक से ही डैमेज हो जाती है किसी भी कारण से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती हैं, या आप जब बहुत ज़्यादा कोई चिल वाटर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी दिनों से अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो नर्व धीरे धीरे कर डैमेज हो जाती है। सो सातवीं नर्व होती है क्रेनियल नर्व की, सातवीं नर्व डैमेज हो जाती है, तो इसी वजह से हमारा फेस पैरालाइज हो जाता है। जिस साइड हमारा फेशियल नर्व अफेक्ट होगा उसी साइड हमारा फेस पैरालाइज हो जाता है। इसमें पेशेंट में मसल्स में पेन होने लगता है, मसल्स जो जहाँ पे अफेक्ट होता है वो मसल्स बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है, और मरीज में जो है टेस्ट पता नहीं चलता है, खाने में स्वाद उसको मिलता नहीं है, और उनमें हेडेक भी होता है, सरदर्द भी होता है और सलाइवा भी प्रोड्यूस होने लगता है। जब वो मसल्स टेढ़ी हो जाती हैं, जब मुँह टेढ़ा हो जाता है तो उनमें दिक्कतें आने लगती है, खाने में प्रॉब्लम होती है और निगलने में भी प्रॉब्लम होती है, मुँह खुलता नहीं है पूरी तरीके से। तो अगर किसी में ये सिम्टम्स दिखाई देने लगे तो हो सकता है उनमें फेशियल नर्व डैमेज हो रही है धीरे धीरे कर। तो जब ये ज्यादा सीवियर हो जाता है तो मरीज में फेशियल पैरालिसिस हो जाती है। तो आइए जानते हैं फेशियल पैरालिसिस में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है कोस्टिकम 200 पोटेंसी। ये उन पेशेंट के लिए है जिनमें राइट साइडेड यानी दाहिनी तरफ लकवा मार गया है चेहरे पे और उनको प्रॉब्लम होती है, चेहरा खुलता नहीं है, खाने में दिक्कत होती है, निगलने में भी प्रॉब्लम होती है, तो वो पेशेंट ये मेडिसिन ले सकते हैं। और जो दूसरी मेडिसिन है कैडमियम सल्फ्यूरेटर, ये 200 पोटेंसी में है। इसमें पेशेंट में लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस होती है यानी बाई तरफ लकवा मार जाता है और जब वो आँख बंद करते हैं तो उनके फेस में दर्द होने लगता है। तो इन दवाओं को वो पेशेंट अपने सिम्टम के अकॉर्डिंग 5 ड्रॉप दिन में 3 बार खाना खाने के बाद लें, इससे आपके फेशियल पैरालिसिस चाहे आपके राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, दोनों ही इन दवाओं से ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।